और अब हम आ चुके हैं फटाका बाज़ार, हर साल लगने वाले दीपावली के अवसर में जो फटाका मार्केट है, देख सकते हैं तरह तरह के फटाके लगे हुए हैं और बढ़िया सजा हुआ है। कई हमारे मित्र भी यहाँ रहते हैं, हर साल फटाका लगाते हैं, कई सारे स्टॉल लगे हुए हैं। एक हमारे मित्र हैं, उनके पास चलते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ विशेष, ऐसा समझते हैं। आप हमारे सर जी हैं श्री संजय तिवारी जी, आइए देखते हैं इनसे क्या विशेष है फटाका और क्या बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो आकर्षण रहे। संजय तिवारी जी बताइए। देखिए, साल क्या है कि मार्केट कोरोना की वजह से बहुत डाउन है और बच्चों के लिए कुछ विशेष आइटम आए हैं जो बच्चों को एक नुकसान भी नहीं करेंगे जी जी, और प्रदूषण भी नहीं फैलाएंगे जी जी, और एक सामान्य रेट पे हैं जी जी, और बच्चों का उत्साह भी उसमें जी जी देखने को बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार पिछले साल की अपेक्षा दुकानें बहुत कम है जी जी, और एक सामान्य प्रक्रिया की तरह के हिसाब से कोरोना के मतलब क्या है नॉर्म्स को देखते हुए सब लोग जी जी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जी जी चला रहे हैं, और बाकी सारी चीज़ें यथावत हैं जी जी, बस यही चल रहा है जी जी। और आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी आपको भी बहुत सारी शुभ। दीपावली के अवसर पर क्या आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, क्या है कि त्यौहार तो हर देशवासी को मनाना ही है जी जी, लेकिन कोरोना को देखते हुए मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ जी जी कि सोशल डिस्टेंसिंग और बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज करें और मास्क अवश्य लगाएं जी जी, और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि जो अभी पता नहीं कब तक चलती है, और अपने घर का ध्यान रखें बिल्कुल ध्यान रखें। बस यही मेरी पूरे शहरवासियों से धन्यवाद। तो आपने देखा कि शहडोल पॉलिटेक्निक ग्राउंड में फटाका बाज़ार में सभी प्रकार के फटाके उपलब्ध हैं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए। मैं अपील करना चाहूँगा सभी अभिभावकों से कि बच्चों को फटाके चलाते समय उचित सावधानी बनाए रखने की हिदायत दें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। हमारा शहडोल यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इसी प्रकार की अन्य वीडियो लेकर आप तक हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।